हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमस एकेडमी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नैनो टेक्नोलॉजी का टॉपिक। देखिए दोस्तों, नैनो टेक्नोलॉजी का जो टॉपिक है वो सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन, SSC, SBI, PU इन सभी की एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनरली जो है नैनो टेक्नोलॉजी का जो टॉपिक है दो पार्ट में डिवाइड किया गया रहता है। पहला होता है कॉन्सेप्ट, दूसरा होता है इसके एप्लीकेशन। तो कॉन्सेप्ट के लिए हमको सबसे पहले इन डेप्थ ये नॉलेज होनी चाहिए कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है और नैनो टेक्नोलॉजी हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी होता है वो क्यों होता है, और बाद में हमको इन कॉन्सेप्ट को इस एप्लीकेशन में लेके आना है। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग यही जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एज ए नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी में जो नैनो होता है, यानी अगर आप देखें नैनो टेक को अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो नैनो टेक में नैनो जो वर्ड है उसका क्या मतलब है? तो नैनो वर्ड का मतलब होता है 10^-9, जैसे आपको सबको ध्यान में होगा 10^-9 का नैनो का मतलब होता है। अब अगर हम देखें कि ये जो नैनो टेक है वो कौन सी स्केल पे काम करती है, जो नैनो टेक जिस स्केल पे काम करती है उसको नैनो टेक कहते हैं, नैनो टेक के लिए नैनो स्केल। तो वो जो स्केल है वो कितने से कितने होती है, 1 to 100 नैनोमीटर तक वो स्केल होती है, और उस स्केल को नैनो स्केल कहा जाता है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो स्केल है 1 से 100 तक ही होती है। अगर कोई स्केल में इसमें कोई अगर 100 से बड़ा है तो वो नैनो स्केल का नहीं होगा। अब एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि कोई जो भी जो ऑब्जेक्ट है वो 100 nm से कोई भी हालत में बड़ा नहीं होना चाहिए, तभी वो नैनो टेक्नोलॉजी में उसको हम लोग काउंट करेंगे। जैसे कि अभी आप देखिए, अगर हम लोग रियल टाइम एग्जांपल लें तो रियल वर्ल्ड के जो ऑब्जेक्ट है तो उनको हम लोग तीन पार्ट में जनरली डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट हो गया मैक्रो, एक हो गया माइक्रो और एक हो गया नैनो। मैक्रो पे हम लोग ले सकते हैं, कोई भी पर्सन हो गया उसको हम लोग मैक्रो पे मान सकते हैं, ह्यूमन जो हेयर हो गया उसको हम लोग माइक्रो भी मान सकते हैं, और जो DNA हो गया उसको हम लोग नैनो भी मान सकते हैं। आप देखिए जो पर्सन है उसको हम लोग कितना लिख रहे हैं nm में, 2 billion nm। जो हेयर उसको हम लोग कितना लिख रहे हैं, उस हेयर को 75,000 nm उसको हम लोग लिख रहे हैं। तो ये दोनों ही जो है, ये और ये दोनों ही नैनो स्केल नहीं है। ये कौन सी स्केल है, जो पर्सन है वो माइक्रो स्केल, जो हेयर है वो माइक्रो स्केल, और जो DNA है वो हो गया नैनो स्केल। तो हमें जो बात करनी है, हमें इस लेवल पे बात करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 से 100 nm तक का जो एरिया है वो नैनो टेक्नोलॉजी का एरिया होता है काम करने का। तो अब हमको देखना है एग्जैक्टली, हमको ये इमेजिन करना है कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है रिलेटिवली कितनी इसकी स्केल है। अब आप अगर रिलेटिव स्केल पर देखें तो अगर ये बड़ा जो स्फेयर है, बड़े स्फेयर को हम लोग अगर RBC माने, और यहाँ पे अगर हम लोग नैनो पार्टिकल माने, और यहाँ पे देखिए एटम। अब आप इनके हिसाब से अपना इसको इमेजिन करिए। देखिए अगर RBC इतना बड़ा है और एटम इतना छोटा है, इनके बीच में यहाँ पर आता है नैनो पार्टिकल, तो ये इनकी साइज का अंतर है। अब हम जानते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की क्या डेफिनेशन होती है। देखिए दोस्तों, नैनो टेक्नोलॉजी जो है एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ नैनो टेक्नोलॉजी, ये डायरेक्ट डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट आ सकता है। अगर ये ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप लिए डेफिनेशन हमने यहाँ लिखी है, ये डेफिनेशन आप लिख के आएंगे कि इट इज़ साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एट नैनो स्केल विच इज़ 1 to 100 meters। अगर आप ये डेफिनेशन लिख के आते हैं, और अगर ये एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन 2 marks का आता है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे 2। ये आपके पास सीधे मार्क स्कोर करने का एक आसान तरीका है। तो ऐसा नैनो स्केल पे ऐसा क्या हो जाता है कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है ये इतनी डायनेमिक हो जाती है? जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं नैनो ट्यूब है, यहाँ पे नैनो बोट है। तो आइए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इस स्केल पे क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो नैनो स्केल होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो असर होता है या इफ़ेक्ट जो होता है उसका किसका होता है, इंक्रीज रिलेटिव सरफेस एरिया का, और जो क्वांटम इफेक्ट है उनका डोमिनेंस होने लग जाता है। देखिए पहला कॉन्सेप्ट आप देखिए, जो रिलेटिव सरफेस एरिया, अगर आप कोई ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए, ये ऑब्जेक्ट जो है, ये फॉर एग्जांपल हम इसको मान लेते हैं गोल्ड। अब गोल्ड पे ये जो एटम से बना हुआ है, तो ये जो सरफेस पे जो एटम है, सरफेस वाले जो एटम हैं वो बाहर से कनेक्टेड है, बाहर का जो भी इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट से जो सरफेस एटम है वो तो उसके साथ रिएक्शन एक्शन कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरनल जो एटम है, ये जो इंटरनल एटम है ये उसके साथ एक्शन नहीं करेंगे। तब क्या होगा, ये तो प्रॉपर्टीज जो है गोल्ड की प्रॉपर्टीज शो करेंगे लेकिन ये नहीं करेंगे।
तो ये जो ओवरऑल ऑब्जेक्ट हो गया वो एक अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, जो कि हम लोग लार्ज स्केल यानी सेंटीमीटर स्केल पे हम लोग देखते हैं। अब आप आ जाइए नैनो स्केल पे। तो अगर जब नैनो स्केल पे आ जाते हैं, तो जो नैनो स्केल पे जब हम लोग आते हैं तो क्या अंतर हो जाता है, तो क्या हो जाता है, वेरी लार्ज सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो हो जाता है। सरफेस टू वॉल्यूम यानी अब ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का एक जो एटम लेवल पे हम लोग देखिए, एक जो एटम है, एक ये सिंगल एटम है, एक ये जो एटम है ये इस पूरे ऑब्जेक्ट के कम्प्लीटली जो है इसके अंदर है, तब क्या होगा, यहाँ वाला जो है जैसे अगर आप सरफेस वाला देखेंगे तो ये सिर्फ इतना इंटरेक्ट कर रहा है, अंदर वाला जो है बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली एटम को बाहर रखते हैं तो ये पूरा जो एटम है वो पूरी सरफेस से एक्ट करेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि सरफेस टू जो वॉल्यूम रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कौन सा रेशियो बढ़ जाएगा ये आप नोट कर लीजिए, सरफेस टू वॉल्यूम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सरफेस टू जो वॉल्यूम रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका क्या मतलब होता है, दिस मीन्स दैट नो एटम इज़ वेरी फार फ्रॉम ए सरफेस और इंटरफेस, एंड द बिहेवियर ऑफ द एटम एंड द बिहेवियर ऑफ एटम्स एट दीज हायर एनर्जी साइट्स हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। तो इससे क्या होता है, मटेरियल जो होती है प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो चेंज जाती हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई मेटल कैटलिस्ट है, मेटल कैटलिस्ट की हम लोग रिएक्टिविटी का एग्जाम्पल लेते हैं। कैटलिस्ट हो गया, मान लीजिए यहाँ पे कैटलिस्ट इसके अंदर डला हुआ है, तो मेटल कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी का हम लोग एग्जाम्पल लें तो उसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, जनरली इंक्रीज हो जाती है एज इट साइज इज रिड्यूस्ड। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग देखें एक जो गोल्ड है, अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया, जो गोल्ड है वो मेट हम लोग बड़ी स्केल पर देखें तो उस बड़ी स्केल पर केमिकली इनर्ट है, जबकि नैनो स्केल पर क्या हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। तो ये इसकी जो प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज जाती है। ठीक है, अभी हम लोग देखें इसी तरह जो नैनो स्केल का जो गोल्ड होता है वो रिएक्टिव होकर क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा एक्शन वगैरह करेगा, जो कि बड़ी स्केल पर नहीं होता है। अब देखिए अगर हम लोग इसका सरफेस एरिया अगर ऐसे ही बढ़ा जाते हैं, जैसे अगर हम लोग अगर हम लोग देखें एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इफ़ एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया विल रिजल्ट एन इंक्रीज इन केमिकल रिएक्टिविटी। तो जिस हिसाब से भी अगर और भी अगर हम लोग एग्जाम्पल इसके इसी टाइप के अगर लेना चाहें तो देखिए हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब दूसरा जो इफेक्ट है, कौन सा इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर हम लोग साइज़ रिड्यूस करते जाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट पहले बड़ा था उसका आप छोटा करिए, तो जब साइज़ रिड्यूस करिए तो जो क्वांटम इफेक्ट है, जो क्वांटम इफेक्ट जो कि पहले जो बड़ी साइज़ के अंदर काफ़ी डोमिनेंट नहीं थे वो अब डोमिनेंट हो जाएंगे। ठीक है, और वो जो क्वांटम होंगे क्या होगा, एज द साइज ऑफ मटेरियल इज रिड्यूस्ड, तो जब साइज रिड्यूस हो गई तो जो क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट होते हैं, जो क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट जो होते हैं दैट कैन बिगिन टू प्ले ए बिगर रोल, और उस जो ये जो बिगर रोल प्ले करते हैं उसके कारण क्या होते हैं, न्यू फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो इनकी क्रिएट हो जाती है। तो जैसे क्या होता है, इस जो साइज में चेंज के कारण ये जो क्या करते हैं ये लोग, जो मटेरियल जो होता है वो क्या क्या करेगा, उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज, जैसे हम लोग दें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, और कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो गई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हो गई, ठीक है, और कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो गई, और हो गई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये चेंज जाती हैं। अब कैसे चेंज जाती हैं, देखिए इसका मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि आप गोल्ड का एग्जाम्पल ले लीजिए, हमने जो अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था कौन सा, गोल्ड का, तो गोल्ड जो है उसकी 10 to 20 नैनोमीटर, अगर आप देखें अगर गोल्ड की पार्टिकल की अगर साइज़ जो है गोल्ड की अगर 10 to 20 nm के आसपास अगर साइज़ हम लोग देखें तो कौन सा अगर कलर एमिट करेगा, वो कौन सा कलर एमिट करेगा, रेड, अगर कोई भी गोल्ड पार्टिकल तो रेड कलर एमिट करेगा। अगर आप गोल्ड देखें 2 to 5 nm की साइज़ का है तो वो येलो कलर एमिट करेगा। लेकिन अगर वही गोल्ड मोर देन 20 nm का हो जाता है तो कौन सा कलर एमिट करेगा, पर्पल, ठीक है। तो ये आप देखिए साइज़ हमने चेंज करी, प्रॉपर्टीज़ यहाँ चेंज हो गई। तो इन्हीं जब प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हम लोग इसमें नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ में लेते हैं। आपको एक एग्जांपल और देता हूँ जिससे आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप एग्जांपल लीजिए किसका, सिल्वर का। आप सिल्वर पार्टिकल का जो है एग्जांपल लीजिए, तो सिल्वर का अगर 40 nm
साइज का अगर है 40 nm साइज तक का अगर सिल्वर लेते हैं तो उसको कौन सा कलर इमिट करेगा, वो कलर करेगा ब्लू कलर। और अगर वही सिल्वर 100 nm तक का है तो कौन सा कलर करेगा, ये आप सर्च करिए और कमेंट सेक्शन में इसको डालिए कि 100 nm का जो सिल्वर है वो कौन सा कलर इमिट करेगा, इससे आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा। अगर हम लोग इसी टॉपिक पे अब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये अभी हमने जो स्टडी करा इस स्टडी के हिसाब से नैनो मटेरियल जो है ये की नैनो मटेरियल माने जाते हैं, कौन से, कार्बन नैनो ट्यूब, क्वांटम डॉट्स, फ्लोरेंस और ये। अभी हम लोग इन दो पे कंसिडर करेंगे क्योंकि यही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो टॉपिक है ये आप किस लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, एग्जाम्पल के लिए हैं, अगर आपको इंटरव्यू वगैरह के अंदर पूछा जाता है तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग टॉपिक लें तो देखिए कार्बन नैनो ट्यूब का टॉपिक हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले ये जानने की जो नैनो ट्यूब यहाँ पर है ये क्या होती है, नैनो ट्यूब जो कार्बन नैनो ट्यूब होती है वो एक होलो जो सिलेंडर आपने देखा होगा, आप एक होलो सिलेंडर एक इमेजिन कीजिए उसी टाइप का होलो सिलेंडर, तो किस पे होता है, एक बड़ी स्केल पे होता है, ठीक है। अब वो बड़ी स्केल को आप छोटी स्केल पे लेके आए, हमने जो लेके आए कौन सी स्केल पे आप लेके आएंगे, हम लोग उसको लेके आएंगे नैनो स्केल पे। तो जब आप नैनो स्केल पे इसको लेके आते हैं एक होलो सिलेंडर की टाइप की स्ट्रक्चर को तो वो कुछ नैनो ट्यूब जैसे बन जाती है। देखिए यहाँ पे ये होलो स्ट्रक्चर है और इसके अंदर ये जो आपको रेड आइटम दिख रहा है कौन सा आइटम है, ये कार्बन का आइटम है, ये इसके अंदर बॉन्ड है। तो अगर हम आपने देखा होगा, आपको एग्जाम्पल पता होगा ग्राफीन का अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो ग्राफीन की स्ट्रक्चर हम लोग कैसे मान सकते हैं, आपने पढ़ी होगी ग्राफीन की जो स्ट्रक्चर है वो ये ऐसी स्ट्रक्चर ग्राफीन की मानी जाती है, ठीक है। ये अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप यही जो स्ट्रक्चर है इसको आप रोल कर दीजिए, ठीक है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को रोल कर देंगे तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी। और ये जो स्ट्रक्चर होती है इस स्ट्रक्चर में क्या होती है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया होती है, ठीक है। और ऐसे स्ट्रेंथ क्यों बढ़िया होती है, अभी जो हमने पीछे भी जस्ट देखा 5 मिनट पहले, अगर आप भूल गए हैं तो फिर से रिवाइज करके आप देखिए और ये जानिए कि ये जो स्ट्रक्चर है इसकी कई प्रॉपर्टीज चेंज जाएंगी, ये हाई स्ट्रेंथ की हो जाएगी, जो नॉर्मली जो स्टील है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। और ये क्या मानी जाती है, फ्लेक्सिबल होती है, और क्या होती है, इलेक्ट्रिकली जो होती है वो काफ़ी कंडक्टिव होती है, यानी मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होती है, फ्लेक्सिबल होती है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होती है। तो इसके कारण इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनके कारण काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। और हम लोग इसको ये जो आप बगल में देख रहे हैं इस तरह भी काम में ले सकते हैं कि जैसे ये बड़ी नैनो ट्यूब होगी उसके अंदर एक और नैनो ट्यूब, उसके अंदर एक और नैनो ट्यूब, उसके अंदर एक नैनो ट्यूब, तो डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन ये हम लोग डिफरेंट नैनो ट्यूब काम में ले सकते हैं। तो आप सबसे पहले जो की वर्ड है रोल्ड ग्राफीन शीट्स और जो ट्यूबुलर मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ कार्बन एटम्स, ये आप कीवर्ड नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, अगर एग्ज़ाम में आता है तो आए आपको मेंशन करके आने। अभी जो कार्बन नैनो ट्यूब है इसका क्या क्या एप्लीकेशन है या फिर हम लोग इसको कहाँ पे यूज में ले सकते हैं, तो जो कार्बन नैनो ट्यूब है सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंटली अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिकल केबल्स और वायर्स के अंदर यूज़ में ली जाती है, सोलर सेल्स के अंदर यूज़ में ली जाती है, फैब्रिक्स के अंदर यूज़ में ली जाती है। कैसे यूज़ में लेते हैं, देखिए वायर्स वगैरह जो आपने देखे होंगे हमारे घर के अंदर वायरिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है, बाहर आपने ट्रांसफार्मर वगैरह देखे होंगे उसके अंदर काफ़ी मोटी जो केबल्स निकली होती है उसके अंदर हम लोग इस नैनो ट्यूब को काम में ले सकते हैं, क्योंकि इसकी क्या करता है, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। सोलर सेल्स होते हैं जिसकी आजकल मोदी जी ने प्रोग्राम चला रखा है, उस सोलर सेल्स के अंदर भी हम लोग इसको काम में ले सकते हैं। फैब्रिक्स जो है मॉडर्न फैब्रिक्स बनाने में भी इसका काम में ले सकते हैं। अब मॉडर्न फैब्रिक देखिए कैसे होंगे, आप ये एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए कि टी शर्ट है, ठीक है, आप ये टी शर्ट माने, इसके अंदर कोई अगर हम बाहर से पानी डाल दिया, मान इस पर वाटर डाल दिया विथ ऑयल, अगर आपने डाल दिया, आप नॉर्मल टी शर्ट पर डालेंगे तो क्या होगा, टी शर्ट बहुत गंदी हो जाएगी। लेकिन अगर आप वही एक नैनो मटेरियल से बने हुए टी शर्ट के ऊपर अगर आप पानी डालते हैं तो वो गंदी नहीं होगी, यानी आप ऐसे कपड़े पहन सकेंगे जो कभी गंदे नहीं होंगे। अब सोचिए ये कितना बड़ा लाइफ चेंजिंग एग्जाम्पल होगा हम लोगों के लिए। उसी तरह जो बाइसिकल के जो कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर हम नैनो ट्यूब में काम ले सकते हैं, जैसा कि हमने देखा इसकी क्या होती है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो बाइसिकल हो गया या कोई भी जनरली मोटरसाइकिल हो या कोई भी मटेरियल, जैसे बाइसिकल का हम एग्जांपल लें तो ये जो उसकी फ्रेम हो गई, इस फ्रेम के अंदर जो फ्रेम है इसमें इसका काम हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्रेम अगर हम लोग नैनो ट्यूब से बनी हुई या नैनो मटेरियल से बनी हुई हम लोग फ्रेम बनाएंगे
तो लाइट तो लाइट भी होगी और उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। इसी तरह हम लोग इसको बोट्स वगैरह के अंदर इसका वेट रिड्यूस करने में, उनको स्ट्रेंथ देने में काम में ले सकते हैं। उसी तरह दूसरा होता है, एक और कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है क्वांटम डॉट्स का। देखिए फ्रेंड्स, क्वांटम डॉट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आजकल बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो रखा है। रिसेंटली मैं आपको बताऊंगा, जो टेक्नोलॉजी है उन्होंने हमारा जो डेली लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस है वो चेंज कर दिया है। उससे पहले आप ये जानिए क्वांटम डॉट्स क्या होती हैं। ये देखिए, ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्वांटम डॉट्स है, ये नैनो स्ट्रक्चर है। ठीक है, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देखिए, ये जो आर्टिफिशियल नैनो स्ट्रक्चर होती हैं। ठीक है, आप ये कीवर्ड है इसका, ये याद रखिए, दीज आर आर्टिफिशियल नैनो स्ट्रक्चर दैट कैन प्रोसेस मैनी वेरिड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, मैं प्रॉपर्टीज़ क्यों वेरी करती हैं वो हमने अभी जस्ट देखा नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, अब इसका आप जानिए, जैसे मान लीजिए ये नैनो ट्यूब है, अब इसमें देखिए इसके कोर दूसरे मटेरियल की है, शेल दूसरे मटेरियल की है, सरफेस दूसरे मटेरियल की है। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल है, इस कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल के कारण ये जो कार्बन डॉट्स है इसके काफ़ी वेरिड एप्लीकेशन हो जाते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने देखा क्वांटम स्केल के अंदर क्वांटम इफेक्ट जो है वो सीन में आ जाते हैं, तो उसके कारण जो प्रॉपर्टी चेंज होती हैं, जैसे इन इंडिविजुअल की जो प्रॉपर्टी चेंज होगी वो अलग होगी, और इनको जब कंबाइन कर देंगे तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज अलग होगी। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का हम लोग यूज़ में लेंगे। तो सबसे रिसेंट यूज़ में आपको बताता हूँ, टीवी के अंदर आपने सुना होगा एलजी सैमसंग जो है वो काफ़ी क्वांटम डॉट टीवी निकाल रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं कि ये काफ़ी, इनका जो डिस्प्ले है वो बहुत बढ़िया होगा, इनकी जो ब्राइटनेस है वो बढ़िया होगी, और जो पावर है वो लोग ये कम करेंगे। और ये देखिए एग्जांपल मैंने आपको दिया है, ये देखिए अपना ये ऑर्डिनरी टीवी है, ये क्यू क्वांटम टीवी है, तो इसमें देखिए कलर का थोड़ा अंतर दिख रहा है ना, तो ये क्वांटम डॉट्स के कारण ये अंतर है। ठीक है, और ये काफ़ी रियल टाइम एग्जाम्पल है, आप ये एग्जाम्पल बिल्कुल याद रखिए। इसके अलावा हम लोग जो है क्वांटम डॉट्स को एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर की तरह यूज़ में ले सकते हैं। ट्रांजिस्टर जैसे आपको ध्यान में होगा, ट्रांजिस्टर जो है NPN, ठीक है, PNP, ये ट्रांजिस्टर के टाइप हो सकते हैं। तो अभी जो है क्वांटम डॉट की हेल्प से हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर भी हम लोग बना सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा चेंज होगा कि आप एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से ही आपने पूरा ट्रांजिस्टर का बना दिया। इससे स्केल भी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी, साइज़ भी बहुत रिड्यूस हो जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं क्वांटम डॉट्स का, वह मेडिसिन के फील्ड में। देखिए मेडिसिन के फील्ड के अंदर ये काफ़ी रिवोल्यूशनरी एग्जांपल है, कैसे क्वांटम डॉट्स से उनके अंदर क्वांटम डॉट्स से हम लोग कोई भी जो सेल है उस सेल की प्रोसेस के बारे में जान सकते हैं, कि जो अभी सेल है वो कौन सी स्टेट के अंदर चल रही है, उसके अंदर क्या चल रहा है। तो हम लोग जो मोलिकुलर लेवल तक जा सकते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अभी तक हम लोग मोलिकुलर लेवल तक स्टडी नहीं कर पाते थे, लेकिन क्वांटम डॉट्स की हेल्प से हम लोग मोलिकुलर लेवल तक जाएंगे। इससे बाकी जो टेक्नोलॉजी थी एज ए ये उनसे बहुत बढ़िया रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी टाइप्स होगा, और हम लोग जो कई जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे कोई डिजीज़ वगैरह हैं उसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, जैसे कि कैंसर हो गया। क्वांटम डॉट से हम लोग कैंसर के डायग्नोसिस में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। अब कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं, देखिए ये मान लीजिए अगर सेल है, ठीक है, अगर ये डैमेज सेल है, तो अगर हम लोग कैंसर का डायग्नोसिस करते हैं, जैसे कि हम लोग पता है केमोथेरेपी वगैरह अगर हम लोग करते हैं, तो उसके अंदर जो ये सेल तो होती है, जो बेकार सेल जो कैंसर सेल होती है वो तो उस पर तो अटैक होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो बढ़िया जो ऑलरेडी परफॉर्मिंग होती हैं, ऑलरेडी परफॉर्मिंग वेल जो सेल होती हैं वो भी उस अटैक में आती हैं और ये भी डैमेज हो जाती है। तो इसी कारण क्या होता है, आपने देखा होगा पेशेंट जो होता है वो उसको काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। तो इसलिए अगर हम लोग क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी का यूज़ में अगर लेते हैं तो उससे ये फ़ायदा उसमें हमें हो जाएगा। उसके अलावा हम इसको बायोसेंसिंग में भी यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वांटम डॉट के काफ़ी यूजेस हो गए। अभी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी हम लोग देखते हैं नैनोबोट्स। नैनोबोट्स के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा कि नैनोबोट्स जो हैं वो काफ़ी रिवोल्यूशनरी होंगे। अभी नैनोबोट्स को हम लोग देख लेते हैं क्या होते हैं। अब आप ये इमेजिन कीजिए बड़ा रोबोट आप इमेजिन कीजिए, जो अगर आप देखते होंगे जापान के अंदर होटल रेस्टोरेंट्स इन सब के अंदर सर्विसिंग करते हुए नज़र आते हैं, उसी तरह जो ये है नैनोबोट एक वही बड़ा रोबोट नैनो स्केल पर होता है। नैनो स्केल आपको पता है 1 to 100 nm होती है, तो इसी नैनो स्केल पे ये रोबोट होगा। अब ये क्या काम करेगा, अब इसका डायरेक्ट हम लोग अगर एप्लीकेशन देखें, इसका एप्लीकेशन देखते हैं तो देखिए ड्रग डिलीवरी का काम करेगा ये। तो कहाँ ड्रग डिलीवर करेगा, देखिए जो स्केल होती है जो भी हम लोग ये इस स्केल पे 1 to 100 nm पे 1 to 100 nm स्केल पे जो अपना नैनो बोट है वो सेल पे डायरेक्ट जा सकता है। तो अभी जो हमने देखा है एक एग्जांपल
अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, या कोई व्यक्ति बीमार है और वो क्या लेता है, दवा लेता है, ठीक है। तो जब वो दवा लेगा तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम से होते हुए वो जो दवा का जो असर है उसके अंदर जो भी केमिकल कंपाउंड है वो बॉडीली फ्लूड से होते हुए सेल तक पहुँचेंगे। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसमें टाइम भी लगेगा, प्लस जो सिक सेल हैं ज़रूरी नहीं वहाँ तक वो फुली एफिशिएंटली पहुँच पाए, और हो सकता है ना भी पहुँचे। तो उस हालत में उससे बचने के लिए जो नैनो बोट होगा उसका यूज़ करेंगे। और ये देखिए नैनो बोट जो डायरेक्टली जो डैमेज सेल है, जो सिक सेल है, वहाँ पर जाएगा और जो केमिकल कंपाउंड वो डिलीवर करेगा। इससे हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी और जो बीमार व्यक्ति है उसको भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसी के साथ साथ इसका हम लोग एक और यूज़ देख सकते हैं, टॉक्सिक कंपाउंड जो होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। अभी हमने देखा आजकल जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं सब लोग। तो उसकी सबसे पहले कहाँ से कौन नुकसान कर रहा है उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि आ कहाँ से रहा है जो टॉक्सिक मटेरियल है वो। तो टॉक्सिक मटेरियल हो गया जैसे सॉक्स हो गया, नॉक्स हो गया, CO हो गया, इन सबको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग नैनोबोट का यूज़ में ले सकते हैं। उसी तरह हम लोग बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, जैसे मान लीजिए आपको टेम्परेचर मेजरमेंट करना है बॉडी का, किसी इंटरनल ऑर्गन का टेम्परेचर मेजर करना है, तो वो आप लोग हम लोग इस नैनोबोट की हेल्प से हम लोग ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये सारे टॉपिक एक बार जो हमने इसके अंदर मेंशन किए हैं आज के लेक्चर के अंदर, ये आप पुनः रिवाइज करिए और हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि आज को आपका जो आज का लेक्चर है वो आपको कैसा लगा। थैंक यू, और बने रहिए ऑप्टिमस अकेडमी पे।